Do you know what are the policies for plain video? In a studio content manager, a policy is set of rules that is specified how to handle a plain video. स्टूडियो के कंटेंट मैनेजर में डिफाइन किया गया है कि इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। व्हेन अ वीडियो गेट क्लेम यू कैन डिसाइड वेदर अ वीडियो गेट वन ऑफ दिस एक्शन। अगर आपका क्लेम वीडियो है तो आपको तीन ये एक्शन करने पड़े कर सकते हैं आप। पहला मोनिटाइज है, अलाउ यूजर टू व्यू द वीडियो एंड डिस्प्ले द एडवर्टीजमेंट विद इट। अगर क्लेम्ड है फिर भी उसके साथ आप एडवर्टीजमेंट देकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा ट्रैक, allow user to view the video without advertisement, collect static about video views, और उसको इसलिए आप दिखाना चाहते हैं कि without advertisement आप उसको viewer को दिखाते हैं जिससे कि आपका view बढ़े। तीसरा है block कर देते हैं, don't allow user to view the video YouTube, आप उसको block कर देते हैं कि user उसको ना देखे। If you select monetize, claimed video will be reviewed to make, और अगर आपने monetize कर दिया है उसको तो हो सकता है कि YouTube उसको फिर से review करे कि आपका जो advertisement आ रहा है उस पर वो valid है कि नहीं है, जो user का claim है उसके according कोई problem तो नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ है तो फिर से आपका video review किया जाएगा। You can specify the type of ad using advertising settings. अब डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें डिफरेंट टाइप के आप एड्स लगा सकते हैं और कौन सा बेनिफिशियल होगा वो आप उसको देख लीजिएगा। यू कैन अप्लाई द थ्री एक्शन, मोनेटाइज, ट्रैक और ब्लॉक। इस तरह से आप क्लेम पर तीन टाइप के एक्शन लगा सकते हैं, अप्लाई, मोनेटाइज, ट्रैक और ब्लॉक। अब दो उसमें भी दो डिफरेंट पॉलिसी होती है, अपलोड पॉलिसी और मैच पॉलिसी। अपलोड पॉलिसी जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी होती है, और मैच पॉलिसी जो होती है वो आपका कंटेंट किसी से मैच कर रहा है तो उसकी पॉलिसीज लगती है और हो सकता है क्लेम होने पे उसको फिर से रिव्यू करें। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द रूट फॉर रिव्यू ऑप्शन टू योर पॉलिसीज। When route for review is selected, it means manual review is required before the claim become active. और claim active हो उसके पहले आप review में अपने video को फिर से भेज देते हैं। How a policy work? अगर आप policy लगाते हैं तो वो कैसे काम करती है ये देखना पड़ेगा। A policy is made of one or more if then rules. अब पॉलिसी जो बनाई जाती है वो बहुत से रूल्स को लेकर बनाई जाती है। दोज रूल्स डिसाइड विच एक्शन टू टेक, और वो रूल बताते हैं आपको कि कौन सा एक्शन लें, मोनिटाइज लें, ट्रैक लें और ब्लॉक लें। व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, फॉर एग्जांपल इफ ओनली वांट टू मोनिटाइज अ वीडियो फॉर व्यूअर्स इन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, द पॉलिसी वुड बी इफ द यूजर लोकेशन इज यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, मोनिटाइज द वीडियो। अगर आपका यूनाइटेड स्टेट या कनाडा का लोकेशन है और वहाँ मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप वो मोनेटाइज कर देते हैं सकते हैं। इफ़ द यूज़र लोकेशन इज एल्सवेयर, इसके अलावा और कोई जगह है तो ब्लॉक द वीडियो, वीडियो को ब्लॉक कर देंगे, और जगह के लिए एडवाइज नहीं है कि आप उसको मोनेटाइज करिए। मोर देन वन पार्टनर कैन हैव अ वैलिड क्लेम ऑन द सेम वीडियो। अब एक ही वीडियो पे कई क्लेम हो सकते हैं, कोई साउंड के लिए क्लेम कर सकता है, कोई टेक्स्ट के लिए क्लेम कर सकता है, कोई सिंपल म्यूजिक बैकग्राउंड के लिए क्लेम कर सकता है, कोई टेम्पलेट के लिए क्लेम कर सकता है, तो एक वीडियो पे कई क्लेम हो सकते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि उस पोर्शन पे क्लेम आए उसके पहले आप अपना ठीक से चॉकआउट कर लीजिए कि वीडियो को आप मोनिटाइज करिएगा कि नहीं। देन मल्टीपल पार्टनर्स हैव अ वैलिड क्लेम ऑन अ वीडियो एंड देयरफॉर मल्टीपल वैलिड पॉलिसीज, व्हिच एवर पॉलिसी रिजल्ट इन मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्शन विल बी अप्लाइड। अब उस पे बहुत से एक्शन लिए जा सकते हैं जब एक ही वीडियो पे कई क्लेम हो, तो सोच समझ कर उसको मोनिटाइज कीजिए। इट्स बेस्ट टू क्रिएट अ पॉलिसी दैट अप्लाइज वर्ल्ड वाइड। अब ये तो अच्छा है कि आप वही पॉलिसी अप्लाई कीजिए जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। टेरिटरी रूल्स शुड ओनली बी इंक्लूड व्हेन यू नीड टू ट्रीट व्यूअर्स डिफरेंटली विद इन द टेरिटरी
हर टेरिटरी का रूल जो होता है डिफरेंट होता है, तो उसको सोच समझ करके आप तभी उसको मोनिटाइज कीजिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो क्लेम फिर से एक्टिवेट हो जाए। और बेस्ट तो है मोनिटाइज फॉर इन ऑल कंट्री, ट्रैक इन ऑल कंट्री, ब्लॉक इन ऑल कंट्री इफ द वीडियो इज नॉट क्लेम्ड। ये जो है ये प्री डिफाइंड पॉलिसी होती है जो हर वीडियो पर अप्लाई होती है, तो उसको सोच समझ के आप मोनेटाइजेशन ऑन करिए। यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू क्रिएट अ कस्टम पॉलिसी फॉर मोर कंट्रोल ओवर योर कंट्री। अब आप इसके आगे अब लर्न कर सकते कि कस्टम पॉलिसी, अब क्योंकि कुछ चीज़ें आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, कौन सा ट्रैक करना चाहते हैं और कौन सा ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। और ट्रैक में क्या होता है, आप बिना एडवर्टीजमेंट के वीडियो को दिखाते हैं जिससे केवल व्यू बढ़े। मोनेटाइज में आपका फुल वर्जन होता है जिसमें सब कुछ ऑन होता है, और ब्लॉक में आप नहीं चाहते हैं कि वीडियो कोई भी व्यूअर देखे, तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो तीन तरह से आप प्लेन वीडियो को ट्रीट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सन हु गॉट द क्लेम इन दर वीडियो। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करिए, मेरे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कम्युनिटी पे जाके प्लीज़ आप और वीडियो प्लेलिस्ट से देखिए, आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाएगी। जो आप लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछते हैं, सिंपल स्टार्टिंग का, बिगनर्स का पूरा ट्यूटोरियल पाइथन, जावास्क्रिप्ट और HTML दिया हुआ है। सी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।